मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगा, मामला अदालत में इंतजार कीजिए। सॉरी मैम, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। रंजन जी हुजूर कैसे हैं? ठीक हूं सर। आज आपको यहाँ पे देख के काफी सरप्राइजिंग लग रहा है सर। आप मिस कोहली के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या बता सकते हैं उनके बारे में? इरावती के बारे में मैं जितना भी जानता हूँ ये जरूर कह सकता हूँ कि शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। वो इनोसेंट है, वो अपने नाना का खून नहीं कर सकती। इनफैक्ट वो किसी का भी खून नहीं कर सकती। सर मिस इरावती पर दूसरा मर्डर का इल्जाम है। देखिए हम लोग ऑलरेडी एक घंटा लेट है, वी विल आंसर योर क्वेश्चंस लेटर। चलो नंदी सर, केस के बारे में कुछ तो बताइए। जैसा कि आपने देखा इस केस से सभी जुड़े अहम लोग यहां आ चुके हैं और अभी अभी वो कोर्ट के अंदर गए हैं और अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस केस की सुनवाई क्या होती है। मैं एन न्यूज से मारुति अग्रवाल, थैंक यू। मैं 2-3 बार मिली थी उससे, उसके घर भी गई थी, लेकिन वो लड़की कोई और थी। चलिए मान लिया कि आप जो कह रही है सच कह रही है, पर फिर भी आप ये कैसे कह सकती है रूपाली मेहरा का मर्डर उनके पति राकेश मेहरा और उनकी दोस्त सुनीता अय्यर ने किया है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी क्लाइंट इस बात का क्लेम नहीं करती कि रूपाली मेहरा का खून राकेश मेहरा और उनकी दोस्त सुनीता अय्यर ने किया है। ये बात और है कि मेरे क्लाइंट के बयान से यह शक जरूर पैदा होता है कि राकेश मेहरा और उनकी दोस्त सुनीता अय्यर के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे और हो सकता है कि इसी प्यार के। अदालत को सबूत चाहिए मिस्टर वर्मा, अगर आपके पास कोई एविडेंस या प्रूफ है तो बात कीजिए। योर ऑनर, डिफेंस के पास प्रूफ के तौर पर एक विटनेस है जो सुनीता अय्यर की एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सकता है। कहां है आपका विटनेस? योर ऑनर, मेरा विटनेस थोड़ी ही देर में प्रेजेंट होगा और तब तक हम आपके विटनेस का इंतजार करेंगे कोर्ट में। योर ऑनर, ये डिफेंस की बनाई गई मनगढ़ंत कहानी सिर्फ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की एक चाल है। सुनीता अय्यर नाम की कोई औरत है ही नहीं, अगर है तो कहां है, किसने उसे देखा इनके क्लाइंट के अलावा? डिफेंस उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं करता? योर ऑनर, सुनीता अय्यर को कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, उससे पहले मैं अपने विटनेस को प्रेजेंट करना चाहूंगा। जो इस वक्त कोर्ट में है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। योर ऑनर, मैं एक बार फिर से यह साबित कर सकता हूं कि सुनीता अय्यर नाम की कोई औरत है ही नहीं। आप जिस औरत से मिली, क्या कभी उसने अपना नाम सुनीता अय्यर बताया आपको? वो खुद अपना असली नाम क्यों देगी मुझे? हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो। नो। जिस औरत से आप मिली, क्या कभी उसने सुनीता अय्यर का जिक्र किया आपसे? नो। क्या कभी किसी और ने आपके सामने सुनीता अय्यर का नाम पुकारा? नहीं। तो फिर आपने ये कैसे जान लिया कि उस औरत का नाम सुनीता अय्यर है? क्योंकि मुझे समन। मिस्टर दिलीप वर्मा ने मुझे बताया। ओ, दिलीप वर्मा साहब ने आपको बताया, किसी और ने नहीं। That's it, Your Honor. इन्होंने बताया और ये कह रही है। और जाहिर सी बात, जब इनका विटनेस आएगा वो भी यही कहेगा। कोई और एविडेंस है मिस्टर वर्मा आपके पास? नो योर ऑनर, पर मेरा विटनेस आने ही वाला है। लंच का समय होने वाला है एंड आई होप लंच के बाद आपका विटनेस कोर्ट में पेश होगा मिस्टर वर्मा। यस योर ऑनर। आगे की कार्रवाई लंच के बाद होगी। द कोर्ट विल रिज्यूम एट 3 PM। आप टेंशन क्यों लेते हो सिंधे साहब? ए भाई, फुकट का टेंशन नहीं ले रहा है, मालूम है तेरे को? ये साला सुनीता अय्यर का नाम का रिसीट मेरे को मिला था रूपाली का गाड़ी में। क्लब में पूछने के बाद भी उसका नाम कंफर्म हुआ था और वो रूपाली का नौकर राजू, उसने भी बताया था राकेश का और सुनीता का लफड़ा का बारे। अब ये हो सकता है कि इसमें भी साला वो दिलीप वर्मा और समर खन्ना का कोई चाल हो। और चालू आदमी है साला ये। आपका दिलीप वर्मा उर्फ समर खन्ना आखिर है कौन? सर रिपोर्ट सही है, दिलीप वर्मा यूपी बार काउंसिल का रजिस्टर्ड मेंबर है। ये नाम रजिस्टर्ड होएगा ये तो मेरे को मालूम था, लेकिन उधर का दिलीप वर्मा और इधर का समर खन्ना
ये दोनों आदमी एक ही है, इसका क्या गारंटी है? नहीं सर, इसका कोई गारंटी नहीं। याद है ना तेरे को, ये समर खन्ना पहले भी अपने को चूना लगा गया था। I know. इस आदमी का असली नाम क्या है? गुड क्वेश्चन। चला ये अगर मेरे को मालूम होता तो मैं इधर काहे को छक मार रहा होता। एक काम कर, ये दिलीप वर्मा का फोटो मंगा। ये फोटो और अपना फ्रॉड का फोटो, दोनों का शक्ल एक जैसा हो ही नहीं सकता। मैं बैठ मारता इसकी। आप कोई भी शर्त लगा लीजिए, हार जाएंगे। इस बात पर मैं शर्त लगा सकता हूँ। बहुत छाना है रे तू, लेकिन एक दिन तू जरूर अंदर जाएगा और इसके लिए मेरे को बैट लगाने का भी जरूरत नहीं। ए, वो फोटो निकालो दिलीप वर्मा का, देखता है साले को। चलिए वकील साहब। कहाँ है तुम्हारा राजू? हर जगह देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। अब तक तो साथ जाना चाहिए था। अरे तो कब आएगा? देखो जाकर। भाई साहब, ये राजू कहाँ बता सकते हैं? पता नहीं कहाँ गए हो। भाई साहब, राजू को देखा आपने? पता नहीं साहब। अरे यार, भाई साहब, राजू को देखा आपने? पता नहीं साहब। अरे भाई साहब, राजू राजू को देखा आपने? आपने राजू को देखा? नहीं साहब, काफी समय से देखा नहीं। हाँ हाँ साहब, एक आदमी आया था उससे मिलने, ऊंचा कद, लंबे बाल और नीली आंख थी और लंबा सा कोट पहना हुआ था, उसी के साथ देखा। ऊंचा कद, नीली आंखें, काली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस बात को भूल रहे हैं कि किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले उसके हर एक पहलू पर गौर करना कितना जरूरी है। इसके लिए अगर हमें किसी का इंतजार भी, योर ऑनर, मेरा विटनेस आ गया है। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। राजू, पहले तो अदालत को यह बताओ कि तुम अब तक थे कहां? अदालत कब से आपका इंतजार करेगी? क्या जाने दी? आप राकेश और रूपाली के घर पिछले 3 सालों से काम कर रहे थे। और अपनी मेम साहब के खून के कुछ ही दिन पहले आपने काम छोड़ा। जी साहब। अदालत को बताइए कि आप सुनीता अय्यर के बारे में क्या जानते हैं। राजू, अदालत तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। तुमने अपने बयान में कहा था कि तुम सुनीता अय्यर को अच्छी तरह जानते हो। उसका राकेश और रूपाली के घर में बहुत आना जाना था, यहां तक कि कई बार तो तुमने उसे अपने सांप के साथ अकेले भी देखा। हाँ या ना? राजू, अदालत तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है। हाँ या ना? मैं नहीं जानता। मैं किसी सुनीता अय्यर को नहीं जानता। मेरे साहब ऐसे आदमी नहीं है, ये सब झूठ है। झूठ बोल रहे हो तुम? आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे साहब अच्छे आदमी हैं, आप गलत आदमी हैं। राजू, तुम अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ सच का साथ दो, सिर्फ सच का। कोई तुम्हें भड़का रहा है,
कोई तुम्हें फंसा नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पहले तो इनका विटनेस लेट आता है, शायद आने का मन नहीं था इसका, जबरदस्ती आया है बेचारा। अब ये आ गया है तो ये कुछ और कह रहा है और ये उसे कुछ और कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। योर ऑनर, मिस्टर दिलीप वर्मा खुलेआम कोर्ट में अपने विटनेस पर दबाव डाल रहे हैं। राजू, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त अदालत में हो, तुम सिर्फ वही कहोगे जो सच है। जज साहब, मैंने जो कुछ बोला वही सच है। ये जो बोल रहे हैं ये सब गलत है। मैं किसी सुनीता अय्यर को नहीं जानता, ना ही उसे पहले कभी देखा। That's not fair. अजी, हमसे पूछिए तो इरावती के वकील ने ये झूठा गवाह पेश किया है जानबूझकर। आपको क्या ये आदमी शक्ल से बेवकूफ नजर आता है? ठीक है राजू, आप जा सकते हैं। जी सर। मिस्टर वर्मा, कुछ और कहना है आपको? कोई और विटनेस है आपके पास? मिस्टर वर्मा, मैं आपसे कह रहा हूं। I'm sorry, Your Honor. कोई और विटनेस है आपके पास? Yes, Your Honor. मगर उसे प्रेजेंट करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। डिफेंस एक विटनेस पेश नहीं कर पाया आज की सुनवाई में। Your Honor, जिसको पेश किया था वो झूठा गवाह था, जिसको लास्ट मोमेंट पर होश आया और वो इनकी रटी रटाई बातों को कहने से मुकर गया। योर ऑनर, मिस्टर दिलीप वर्मा बिना डोर की पतंग उड़ा रहे हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर वर्मा, आज का समय खत्म समझिए, आगे की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए डिफेंस के पास काफी समय है वो कोई ठोस सबूत या विटनेस कोर्ट में पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। The court is adjourned. अब कौन सा विटनेस प्रेजेंट करने वाले? बोलते क्यों नहीं हो? या फिर यही बोल दो, आप मुझे नहीं पता आप क्या करना है, ये कैसे बचेंगी? हा? तुम्हारे पास कोई विटनेस? झूठ बोला तुमने ताकि तुम्हें टाइम मिल सके। तुम्हारी ये फालतू बकवास करने के लिए तुम्हें ये केस नहीं दिया गया था। अब बताओ कल कौन सा विटनेस ला रहे? समर, अगर कल तुम्हारा विटनेस नहीं आया तो कम से कम 15 दिन के लिए पुलिस रिमांड में रहना पड़ेगा या जेल में। थैंक यू वेरी मच। बताओ कौन है तुम्हारा विटनेस? कोई विटनेस नहीं है इसके पास। ये बड़ा बाप आदमी है, इसका गेम समझो भाई। समझ गया सर, ये घी का बताता है और तेल का तड़का लगाता है। तेरी गर्लफ्रेंड तो गई, ये भी फ्रॉड के जुर्म में अंदर चला जाए। कल सुबह तक यूपी बार काउंसिल से वो दिलीप वर्मा की फोटो आ जाएगी, तब तेरा क्या होगा? तुम भी समझ लो। सुना तुमने क्या कहा इंस्पेक्टर शिंदे ने? क्या कुछ करोगे, कुछ सोचोगे? अरे कुछ तो बोल, कौन है तुम्हारा विटनेस? तुमसे बात करो, तुम्हें सुना नहीं दे रहा क्या? तो कौन है तुम्हारा विटनेस? अरे कौन है जिसके नाम पर तुमने कोर्ट से कल तक टाइम मांगा है? Answer me. सुनीता अय्यर। सुनीता अय्यर, तो वो है तुम्हारी विटनेस? तभी मैं कहूं कि तुम मुझे उसका नाम क्यों नहीं बता रहे थे। वो लड़की जिसका राकेश के साथ अफेयर हो, वो इरा के फेवर में गवाही थी। और ये लड़की आपको मिलेगी कहाँ? कहाँ से ढूंढ निकालेंगे आप इसे? ये कहाँ छुपी हुई है, कुछ पता है आपको? ये पता लगाना मेरा। अरे क्या पता लगा लोगे तुम? 6 बज चुके हैं और कल सुबह 11 बजे तक, मतलब कि 17 घंटे में तुम सुनीता अय्यर का पता भी लगा लोगे, उसको ढूंढ भी लोगे, उसको कन्विंस भी कर लोगे कि सब कुछ छोड़कर वो अपना गुनाह कबूल कर ले, इरा बच जाए और उसको खुद जेल हो जाए। यही है ना तुम्हारा प्लान? काम करना तो कोई तुमसे सीखे। वाह।
अगर तुम्हें पता होता है सुनीता अय्यर कहाँ है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। कहाँ से ढूंढ निकालोगे उसे? Tell me, कहाँ से ढूंढ निकालोगे तुम उसे? It's impossible. और एक बात अच्छे से समझ लो, अगर ईरा को जेल हुई तो अच्छा नहीं होगा। ईरा की जेल जाने से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? नहीं, कोई माने या ना माने, ईरावती इज इनोसेंट, शी कैन नॉट बी अ मर्डर। क्या आप लोगों को लगता है कि ईरा का वकील उसे बचा पाएगा? क्यों नहीं बचा पाएगा? जब वो कहता है कि उसके पास विटनेस है तो जरूर होगा। देखिए, फिलहाल तो उसने बड़ी चालाकी के साथ कोर्ट से थोड़ा सा टाइम और ले लिया है, विच इज अ गुड थिंग। अगर हम मानते हैं कि आज का गवाह झूठा था तो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि वो कोर्ट में आने से पहले ही बिक चुका था? भाई, अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट लेट अस थिंक पॉजिटिव। हाँ, डाउट तो मुझे भी था प्रोफेसर, पर तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा कि ईरा बच सकती है। प्रोफेसर साहब, अगर आपकी बात सच निकली तो ईरावती का बहुत भला होगा। आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखते हैं, इसीलिए रिसर्च कर पाते हैं शायद। रिसर्च की बुनियाद हमेशा सच पर होती है। परपोता, ईरावती का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये आप और वकील साहब दोनों सुन लीजिए। अगर सच में कोई विटनेस है तो कहाँ है वो? कौन हो सकता है? इसका मतलब सुनीता अय्यर अलीबाग वाले बंगले में होगी।